33 BOB और 17 RBOB और 10 CC जो उसके फादर के पास थी। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम आशीष शर्मा, ये मेरे छोटे भाई सनी शर्मा, हम रूफ हाउस कैनल से, मिस्टर शर्मा पहले हमारा जो कैनल था वो शर्मा कैनल के नाम से था, अब हमारा जो कैनल है रूफ हाउस कैनल वो हम अथोराइज बाई UKC से अथोराइज है। और मैं आज से 20-22 साल हो गए मेरे को डॉग ब्रीडिंग करते हुए। मैं मोस्टली मेरा जो प्रोफेशनल है वो बुल मस्टिफ में मेन ब्रीडिंग करता हूँ। मैं मेरे कम से कम मेरी ब्रीडिंग के कम से कम 10 से 12 डॉग इंडियन चैम्पियन हो चुके हैं। और मैं रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, लेब्रा और बीगर पग में अपनी ब्रीडिंग करता हूँ। और आओ मैं आपको अपने डॉग दिखाता हूँ। कुछ डॉग मेरे यहाँ पे चैनल पे हैं, कुछ डॉग मेरे घर पे हैं। जो चैम्पियन डॉग हैं वो मेरे थोड़ा घर पे रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उन्हें रखे से थोड़ा सा केयरिंग घर के लिए अच्छी रहती है। ये मेरा डॉग ब्रूनो है, इस बार से डॉग शो में पार्टिसिपेट कराना है, हर डॉग से मेरे जाएगा और उम्मीद है इस बार ये इंडियन चैम्पियन बन जाएगा। ये मेरा दूसरा डॉग है, इसका नाम है डाकू है, ये मेरी होम ब्रीडिंग है। अब की बार ये आपको आप सबको डॉग शो में मिलेगा सबको देखने के लिए। ये भी 12th मंथ का हुआ है, ये यूज साइड डॉग है और इसके स्टड सर्विस भी अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है, कोई भी मेटिंग इसके स्टड के लिए कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो इसका फादर जैक है, इंडियन चैम्पियन जैक, उस पर 33 BOB और 17 RBOB और 10 CC जो इसके फादर के पास थी। हमारे सारे लोग में आज तक इतनी विनिंग करने वाला डॉग, इतनी BOB लेने वाला डॉग बुल मस्टिफ में किसी के पास नहीं रहा जितना मेरे पास था, इसका जो फादर था जैक। बुल मस्टिफ पपी लेने से पहले आप बहुत चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जहाँ जिस कैनल से आप ले रहे हो, जिससे भी आप पपी ले रहे हो, पहले तो उनके मदर फादर देखो कि उसके मदर फादर कैसे हैं, किस तरह का उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, किस तरह का उनका हेड मसल है। और किसी भी अच्छे कैनल से आप लो, हमारे कैनल में मोस्टली हमें 22 साल हो गए बुल मस्टिफ में ब्रीडिंग करते हैं, मोस्टली हमारे यहाँ अच्छे चैम्पियन डॉग पपी हमारे यहाँ से निकल के गए हैं। और सबसे पहली बात यह है कि बुल मस्टिफ लेने से पहले आप इनके ब्रॉड हेड, बच्चे का हैवी बॉन होना चाहिए, मजल हैवी होना चाहिए और यू साइज मदर फादर होने चाहिए, तब बुल मस्टिफ का मज़ा आता है लेने के। नहीं तो बुल मस्टिफ इंडिया में बहुत हैं जो बहुत कॉम्पैक्ट साइज के हैं, छोटे साइज के हैं। उनका मस्टिफ का मतलब क्या है? मस्टिफ का मतलब यह है कि जायंट ब्रीड। अब आजकल छोटे आ रहे हैं, उनमें मज़ा नहीं आता कि मस्टिफ लगते ही नहीं, मस्टिफ होते हैं। दूसरा क्या है, जब आप डॉग पपी लेते हो तो उसमें मदर फादर दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए, अगर आपको चैम्पियन लाइन तैयार करनी है तो। बुल मस्टिफ ब्रीड ऐसी है, उसके लिए फ्रंट होना चाहिए, हैवी बॉन होने चाहिए, हैवी मसल होना चाहिए, हैवी हेड होना चाहिए, टॉप लाइन होनी चाहिए और यूज साइज होना चाहिए। इनके बहुत फैमिलियर डॉग होते हैं, लेकिन ये डॉग उनके लिए है जिनके लिए स्पेस ज़्यादा होता है, जो आराम से ये क्या नाम किसी फ्लैट व्लैट के लिए डॉग नहीं बना है, इसे सिर्फ घूमने के लिए स्पेस चाहिए, क्योंकि जाइंट ब्रीड है। और डॉग वो ऐसे भी क्लाइमेट में रखता है, जैसे कि आप ठंडे में रखो, कूलर में रखो, उसमें रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आराम से एडजस्ट हो जाता है। आने वाले डॉग शो में आपको अपने डॉग जो नियर बाय डॉग शो होगा आपको डॉग शो में मिलेंगे, नियर बाय देहरादून, चंडीगढ़, करनाल, लुधियाना, अम्बाला, पटियाला, जलंधर, इनमें आपको करनाल में डॉग शो में मेरा डॉग आपको देखने को मिलेंगे जो ट्रॉफी के साथ। ये सब मेरे डॉग की बुल मस्टिफ की ट्रॉफी है, इससे ज़्यादा ट्रॉफी मेरे घर पे रखी हुई है, जो वहाँ पे जगह की कमी के कारण इसलिए मैंने घर पे रखी हुई है। मेरा नंबर है, अगर कोई इंक्वायरी के लिए आपको कांटेक्ट करना हो पपी के लिए या बड़े डॉग के लिए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8006580222। और सन्नी शर्मा जी का नंबर है 9058710676।